तकनीकी कारणों के चलते आज हम न्यूज मालवा का अंक मालवी भाषा में प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आज का अंक हिंदी भाषा में प्रस्तुत किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा फायर एनओसी अनिवार्य करने के खिलाफ निजी होटल संचालक लामबंद हो चुके हैं। आज उन्होंने एक बैठक कर आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया। इस दौरान बड़ी संख्या में होटल संचालक मौजूद रहे। बता दें कि चार दिन पहले रेलवे स्टेशन के सामने चार मंजिला होटल चंद्रगुप्त में आग लग चुकी थी। प्रशासन द्वारा कराई गई जांच में होटल में फायर एनओसी सहित कई कमियां मिली थी। इसके बाद कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने शहर के सभी निजी होटल व गेस्ट हाउस में फायर एनओसी अनिवार्य कर दी थी। वही चंद्रगुप्त होटल को भी सील कर दिया था। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद शहर के निजी होटल संचालक भी अब लामबंद हो चुके हैं। उन्होंने एक निजी होटल में बैठक आयोजित कर आगे की रणनीति बनाई। होटल संचालकों का कहना है कि वह फायर एनओसी के दायरे में नहीं आते, क्योंकि हमारे छोटे छोटे होटल्स एवं गेस्ट हाउस हैं, इनमें निकलने के लिए दो रास्ते बनाना मुश्किल है। बैठक में तय किया गया कि कलेक्टर से मिलकर होटल संचालक का पक्ष रखा जाएगा। 16/12/2022 का मध्य प्रदेश शासन का फायर एनओसी को लेकर के एक आदेश जारी हुआ था, और उस आदेश के अंदर उन्होंने अनिवार्यता जहां पर दी है वो दी है, उन्होंने 500 वर्ग मीटर से अधिक का जिसका तल क्षेत्र हो या जिस होटल लाज या अन्य जगहों पर 50 से अधिक एक तल पर बिस्तर हो, बेड लगे हों, अब उन दोनों श्रेणी में हम तो नहीं आते हैं। दूसरा, अभी बीते दिनों में रेलवे स्टेशन के पास आगजनी की घटना हुई थी एक होटल में, तो ऐसे निर्देश हैं कि सभी होटलों में फायर की ऐसी कोई इंसिडेंट होते हैं तो उससे निपटने के समुचित संसाधन होने चाहिए। उसी के क्रम में कुछ होटलों में निरीक्षण किया जा रहा है और उनको समय भी दिया जा रहा है कि आप अपनी व्यवस्थाएँ दुरुस्त कर लें, जिससे कि किसी भी इस तरह की घटना से बचने के तमाम इंतजाम हो सके। उज्जैन अब ई रिक्शा वाले यात्रियों को ठग नहीं पाएंगे। आरटीओ ने इनका किराया तय रेट लिस्ट भी अनिवार्य कर दी है। शहर में बढ़ती ई रिक्शा की संख्या के बीच ई रिक्शा चालक यात्रियों से किराया वसूली में मनमानी कर रहे हैं। इसे रोक लगाने के लिए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने ई रिक्शा संचालकों के साथ बैठक की और किराया तय कर दिया। साथ ही इन्होंने ई रिक्शा वाहन में रेट लिस्ट लगाना भी अनिवार्य कर दिया है। आरटीओ संतोष मालवी ने बताया कि पिछले दिनों हुई जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कलेक्टर ने निर्देश जारी किए थे, उसी के अनुसार सोमवार को यह बैठक बुलाई गई। इसमें तय किया गया कि रिक्शा से सफर करने वाले यात्रियों को पहले 3 किलोमीटर का 10 रुपये, इसके बाद 20 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया देना होगा। ई रिक्शा चालक निर्धारित से अधिक किराया वसूल नहीं पाएंगे। सभी को ई रिक्शा वाहनों में किराया सूची अनिवार्य रूप से चस्पा करने को भी कहा गया है। इसके अलावा व्यावसायिक लाइसेंस, वाहन पंजीयन, फिटनेस प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज अनिवार्य रूप से चालक को रखने होंगे। क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। दिए गए निर्देशों का ई रिक्शा चालक पालन कर रहे हैं या नहीं, इसकी समय सीमा पर चेकिंग भी की जाएगी। उज्जैन के नानाखेड़ा इलाके में एक श्रद्धालु का शव मिला है। वह होटल उज्जैन प्राइड में रुकने आया था, लेकिन मालिक ने रूम न होने पर उसे अपने निजी घर के कमरे में ठहरा दिया। मामले में एफएसएल अधिकारी ने विसरा एवं हार्ट सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। काचरोद के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी नागदा रोड निवासी भोला 30 वर्ष पिता वर्दी राम मंगलवार रात महाकाल मंदिर दर्शन करने के बाद होटल में रुकने के लिए आया था। होटल में रूम न होने के कारण होटल मालिक ने उसे होटल के पास स्थित अपने निजी घर के कमरे में रुकवाया। सुबह 10 बजे चेकआउट के समय जब होटल का कर्मचारी भोला को उठाने के लिए गया तो काफी देर आवाज लगाने के बावजूद भी उसने दरवाजा नहीं खोला। जैसे तैसे खिड़की से हाथ डालकर दरवाजा अंदर से खोला गया, अंदर वह मृत पड़ा हुआ मिला। नानाखेड़ा थाना पुलिस को जानकारी दी गई। जानकारी लगते ही नानाखेड़ा थाना प्रभारी ओपी अहिर, सीएसपी सचिन परते सहित
एफएसएल अधिकारी प्रीति गायकवाड़ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। सीएसपी सचिन परते ने बताया कि पुलिस ने मौके से आवश्यक साक्ष्य इकट्ठा कर शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया है। वोमिट के अवशेष नहीं मिले हैं, संभवतः हार्ट अटैक भी हो सकता है, इसलिए विसरा एवं हार्ट सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए। एक भोला नामक व्यक्ति है, जांच में पता किया गया कि ये खाजरोत का रहने वाला है। उसके द्वारा उसकी अभी मृत अवस्था में उसकी लाश मिली है, जिसकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। अभी जांच के अनुसार तथ्यों के अनुसार पता लगेगा कि मृत्यु का कारण क्या है। उज्जैन के घास मंडी चौराहे स्थित मुन्नालाल की चाल में रहने वाले सीटर बदमाश पिता पुत्र के खिलाफ रहवासियों ने एसपी को शिकायत की है। थाना माधवनगर क्षेत्र के सीटर बदमाश पिता पुत्र के खिलाफ रहवासी लामबंद हो चुके हैं। मंगलवार को जन सुनवाई के दौरान रहवासियों ने पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर एसपी सचिन शर्मा को शिकायत की। रहवासियों का आरोप है कि क्षेत्र में ही रहने वाले पिता पुत्र हिस्ट्री शीटर बदमाश से कई बार जिला बदर हो चुके हैं। अब वह आए दिन क्षेत्र में आतंक मचाते हैं। दो दिन पहले भी घास मंडी चौराहे पर मुन्नालाल कुमार के चाल में उक्त आरोपियों द्वारा मारपीट की गई थी। यहां आरोपियों ने आंखों में मिर्च पाउडर डालकर धारदार हथियार से हमला किया था। घटना में 5 लोगों को चोटें भी आई थी। घायल के परिजन व रहवासी पुलिस कंट्रोल रूम पर पहुंचकर एसपी से न्याय की गुहार लगाने पहुंचे। घटना हमारे यहाँ रहता हूँ मुन्नार कुमार के चाल में। हमारे पड़ोस में गुंडा थे, हिस्से का गुंडा है, दो ही बाप बेटे हैं, दो बार जिला बदल भी हो चुके हैं। पर आए दिन उनका कुछ ना कुछ किसी माँ माँ बहन लड़के को छेड़ना, ये काम करना, अवैध वसूली करना, ये उनका काम है। अच्छा, काम करने पर पुलिस थाना घटिया में ग्राम सुरक्षा समिति कार्यकर्ताओं को एडिशनल एसपी अभिषेक आनंद ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। ग्राम सुरक्षा समिति द्वारा शिवरात्रि महापर्व पर एवं पंडित प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रम में व्यवस्था को लेकर प्रशासन के सहयोग को लेकर उज्जैन जिले के पुलिस थाना घटिया द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर ग्राम सुरक्षा समिति कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम थाना परिसर में किया गया। कार्यक्रम में एडिशनल एसपी अभिषेक आनंद, थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान ने ग्राम सुरक्षा समिति के कार्यकर्ताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही क्षेत्र को लेकर ग्राम सुरक्षा समिति के कार्यकर्ताओं से चर्चाएं भी की गई। वही कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि हमें भी ग्राम सुरक्षा समिति की जॉकेट एवं परिचय पत्र दिया जाए। उस पर एडिशनल एसपी अभिषेक आनंद ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही आपको जैकेट एवं आई कार्ड मुहैया करवाया जाएगा। और उसी सेवा के उपलक्ष्य में आज हमें एडिशनल एसपी साहब अभिषेक जी उज्जैन से आए थे और हमारा एक सम्मान स्वरूप प्रशंसा पत्र हमें ग्राम रक्षा समिति के जितने भी सदस्य हैं उन्हें प्रदान किया। ये पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा के टाइम में उन्होंने बहुत शानदार ड्यूटी दी थी, तो इसी के संबंध में उनको जो प्रशस्ति पत्र वितरण किया गया है और उनसे निवेदन किया गया है कि इसी तरह से अपनी ड्यूटी आगे भी देते रहे, बाबा महाकाल की सेवा में हमेशा सदैव तत्पर रहे। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले कम में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।